हेलो दोस्तों, गणेश फार्मा चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम लोग देखने वाले हैं स्टैंडर्ड डेविएशन एंड स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन्स रिलेटेड न्यूमेरिकल्स। तो दोस्तों चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला न्यूमेरिकल्स देखते हैं। व्हाट आर एजेस ऑफ 12 पेशेंट एडमिटेड इन हॉस्पिटल? 35, 82, 21 ये सब एजेस दिए गए हैं। कैलकुलेट स्टैंडर्ड डेविएशन एंड SEM यानी स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन। तो सबसे पहले हम लोग को फार्मूला पता होना चाहिए इसका। तो स्टैंडर्ड डेविएशन का फार्मूला है यानी सिग्मा साइन है इसका, समेशन ऑफ x माइनस x बार ब्रैकेट स्क्वायर डिवाइड बाय n माइनस 1। एंड स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन का फॉर्मूला है SEM इज इक्वल टू स्टैंडर्ड डेविएशन एंड सिग्मा डिवाइड बाय ब्रैकेट अंडर रूट एन। तो ये हो गया हमारे फॉर्मूले। तो हम लोग को क्या क्या लगेगा पहले स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने के लिए? समेशन ऑफ x माइनस x बार स्क्वेयर। तो सबसे पहले हम लोग को x बार निकालना पड़ेगा। तो x बार का फॉर्मूला क्या है? x बार इज इक्वल टू समेशन ऑफ एक्स डिवाइड बाय एन यानी मीन। तो सबसे पहले हम लोग ये निकाल लेते हैं जो जो हम लोग को फॉर्मूला में डालने के लिए लगेगा। तो सबसे पहले क्या दिया गया हम लोग को? एक्स दिया गया है। तो क्या क्या है एक्स? 35, देन 82, 21, 43, 39, 62, 36, 12, 74, 45, 87 एंड 53। देन समेशन ऑफ एक्स करेंगे कितना आएगा? 589 यानी टोटल इसका हो गया। देन अभी x बार हम लोग निकाल पाएंगे। तो x बार इज इक्वल टू समेशन ऑफ x यानी 589 डिवाइड बाय कितने नंबर से टोटल 12 है। तो क्या आ गया आंसर? 49.08 ये x बार हम लोग को मिल गया। तो हम लोग को अभी क्या निकालना है? x माइनस x बार। डायरेक्ट स्क्वायर हम लोग नहीं निकाल पाएंगे इसलिए पहले हम लोग को x माइनस x बार निकालना पड़ेगा। x माइनस x बार देन फाइनली x माइनस x बार ब्रैकेट स्क्वायर। तो सबसे पहले निकाल लेते हैं x माइनस x बार। तो x बार हम लोग को क्या मिला है? 49.08। तो 35 माइनस 49.08 कितना मिलेगा? माइनस 14.08। देन 82 माइनस 49.08 92। देन ऐसे ही आगे आगे करते जाना है। तो फाइनली हम लोग को आगे आगे वैल्यू मिलते जाएंगे। देन माइनस 28.08 देन 43 में से जाएगा तो माइनस 6.08 देन माइनस 10.08 देन 12.92 देन माइनस 13.08 देन माइनस 37.08 देन 24.92 देन माइनस 4.08 देन 37.92 एंड फाइनली 3.92। देन अभी हम लोग को क्या निकालना है? x माइनस x बार ब्रैकेट स्क्वायर यानी इसका स्क्वायर जो वैल्यू मिली हम लोग को। तो माइनस का क्या होगा इधर? जब ब्रैकेट का स्क्वायर लेंगे तभी स्क्वायर हो जाएगा, तभी ये प्लस में वैल्यू चली जाएगी यानी सब वैल्यू प्लस में आ जाएंगे। तो इसका स्क्वायर क्या आएगा? 198.24 देन 1083.72। ऐसे ही सबके स्क्वायर निकाल लेने हैं। देन 101.60 देन 166.92 देन 13.08 का 171.08 देन 137.4.92 देन 621 देन 16.64 देन 1437.92 एंड फाइनली 15.36। तो इसका क्या चाहिए हमें? समेशन। तो समेशन ऑफ x माइनस x बार ब्रैकेट स्क्वायर इज इक्वल टू, तो इसका सबका एडिशन करना है 6012.84। तो अभी हम लोग को ये सब वैल्यू मिल गए। तो सिर्फ हम लोग को ब्रैकेट में जो फार्मूला दिया गया है उसमें पुटअप करनी है यानी अंडर रूट ऑफ समेशन ऑफ x माइनस x माइनस x बार ब्रैकेट स्क्वायर क्या मिला है हम लोग को? 6012.84। नंबर कितने टोटल? 12 माइनस 1। तो 6012.84 डिवाइड बाय 12 माइनस 1 11। तो फाइनली हमारा आंसर आ जाएगा
23.37, यह हम लोग को मिल गया स्टैंडर्ड डेविएशन। तो स्टैंडर्ड डेविएशन यानी सिग्मा होता है, तो 23.37 अभी हम लोग निकालेंगे स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन और अंडर रूट ऑफ एन यानी कितना है 12। तो 23.37 अंडर रूट ऑफ 12 कितना होता है 3.46। एंड फाइनली हम लोग जब डिवीजन करेंगे तो अभी आंसर मिलेगा 6.75, ये आ गया स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन। तो अभी सेकंड न्यूमेरिकल देखते हैं, कैलकुलेट स्टैंडर्ड डेविएशन स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन यानी SEM ऑफ फॉलोइंग डाटा। तो ये डाटा दिया गया है, तो सबसे पहले हम लोग को फॉर्मूला लिख लेना है, स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू जो पिछले न्यूमेरिकल्स में लिखा था यानी सिग्मा इज इक्वल टू समेशन ऑफ एक्स माइनस एक्स बार स्क्वेयर ब्रैकेट स्क्वेयर एन माइनस वन। एंड स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन का क्या था, स्टैंडर्ड डेविएशन एंड सिग्मा डिवाइड बाय अंडर रूट ऑफ एन। देन हम लोग को एक्स बार निकालना पड़ेगा, एक्स बार का फॉर्मूला क्या था, समेशन ऑफ एक्स डिवाइड बाय एन। देन अभी लिख लेते हैं एक्स क्या दिया गया है, 4.7 देन 3.2 देन 4.1 4.4 4.9 4.2 एंड 4.5। देन हम लोग को क्या चाहिए, जैसे पिछले न्यूमेरिकल्स में सॉल्व किया था एक्स माइनस एक्स बार निकालना पड़ेगा एंड लास्ट में एक्स माइनस एक्स बार ब्रैकेट स्क्वेयर, देन एक्स माइनस एक्स बार निकालना पड़ेगा। तो अभी सबसे पहले एक्स बार निकालना पड़ेगा, तो समेशन ऑफ एक्स यानी इसका टोटल कितना आएगा, समेशन ऑफ एक्स का 30। देन समेशन ऑफ एक्स कितना है 30 डिवाइड बाय नंबर्स कितने टोटल 7, तो आंसर आएगा 4.28। यह हमें मिल गया एक्स बार यानी मीन मिल गया, यानी एक्स बार की वैल्यू कितने है 4.28। तो एक्स कितना है 4.7 माइनस 4.28 कितना आएगा 0.42। ऐसे ही सबका करते रहना है हम लोग को, 3.2 माइनस 4.28 माइनस 1.08। अभी इन सब का स्क्वायर निकाल लेना है, तो 0.42 का स्क्वायर आएगा 0.1764। देन आगे ऐसे करते जाना है हम लोग। तो अभी इन सब का हमें टोटल कर लेना है, समेशन ऑफ एक्स माइनस एक्स बार ब्रैकेट स्क्वायर कितना आएगा, टोटल करेंगे तो 1.8288। तो फाइनली हम लोग को मिल गया समेशन ऑफ एक्स माइनस एक्स बार ब्रैकेट स्क्वायर, तो वैल्यू पुट अप कर लेने हैं 1.8288 डिवाइड बाय 7 माइनस 1 यानी अंडर। देन लिख लेना है अंडर रूट ऑफ 1.8288 देन 7 माइनस 1 कितना होगा 6। देन इसका डिवीजन कितना आएगा 0.3048। देन अंडर रूट ऑफ 0.3048 का आंसर आएगा 0.5520। ये फाइनली हमें आंसर मिल गया स्टैंडर्ड डेविएशन का। देन सिग्मा मतलब क्या होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन, तो 0.5520 हम लोग को मिल गया है। देन अंडर रूट ऑफ कितने नंबर है 7 है, 0.5520 डिवाइड बाय अंडर रूट ऑफ 7 कितना होता है 2.645। देन इसका डिवीजन करेंगे तो फाइनली हम लोग को आंसर मिले 0.208। यह मिल गया स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन। तो ये क्वेश्चन को आपको करके ही जाना है, स्टैंडर्ड डेविएशन स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन हमेशा एग्जाम पेपर में आता ही आता है, इसके बिना पेपर बनेगा ही नहीं। तो आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।